तो भैया स्वागत है आपका हमारे G3 ब्रदर चैनल पर। तो भैया वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज आपके लिए ऑटोमेटिक लॉक वाली ट्राली लेके आ चुके हैं भैया, वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी चादर की। तो साइड में 12 गेज की साइड लगाई गई है और भैया जो इसके अंदर का फर्श दिया गया है वो 8 गेज का टाटा कंपनी का है। टोटल चादरें टाटा कंपनी की लगी हुई हैं इसके ऊपर। और बाकी हम साइड की बात करें तो ऑटोमेटिक साइड लॉक लगा हुआ है इसके अंदर, जिसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में अब डिमांड है। और भैया ट्राली बहुत ही सस्ती है, वीडियो पर बने रहना। और आगे हम बात करेंगे इसके डिजाइन की, जो एसेसरी लगी है। एसेसरी टोटल CNC कटिंग माल है, कुछ इसमें कोई भी हैंड मेकिंग नहीं है, CNC माल लगा हुआ है जो भी इसके ऊपर लगा हुआ है। और अब आगे हम बात करते हैं इसकी साइड की। तो नीचे भैया ये आपको जो हम आम भाषा में बोलते हैं झालर बोलते हैं, जो इस पर ये मीनाकारी की गई है, ये टोटली हैंड मेकिंग की गई है। और साइड में हिस्से की बात करें तो 5 इंची इसका हिस्सा आ जाता है। और साइड पात्रों में भी 12 गेज चादर का इस्तेमाल हुआ है। और भैया ट्राली की लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, वीडियो शेयर कर देना। और साइड लॉक की बात करें तो ये साइड लॉक है इसका, ये भी ऑटोमेटिक लॉक है भैया, फुल इसकी गारंटी दी जाती है। और ऊपर की ओर और जो ये ऊपर की ओर इसकी पिन दी गई है, ये भी ऑटोमेटिक है भैया, बाहर नहीं आती है, इसके अंदर पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती, अंदर ही रहती है ये। और बाकी हम बात करें इसके बैक साइड डालने की, तो भैया बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त डाला बनाया गया है। इसके अंदर भी एक ऑटोमेटिक लॉक है, आपको ये जो पिन दिखाई दे रही है ये भी ऑटोमेटिक लॉक की पिन है। यही डाला इधर से खुलता है और दूसरी ओर जाकर जब ये डाला फिट होता है तो इसके ऑटोमेटिक लॉक के अंदर आ जाता है। और ये भी कभी निकलता नहीं है, इसकी फुल गारंटी होती है। और बाकी ट्राली बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, सस्ती है। और नीचे की बात करें तो इसकी ऑटोमेटिक सेंटर लॉक दिया गया है भाई, पूरी ट्राली के अंदर ऑटोमेटिक लॉक लगे हुए हैं। अगर आपको ये ट्राली बनवानी है तो नीचे नंबर चल रहे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना और आपको अच्छे रेटों पर ट्राली मिल जाएगी। और अगर वीडियो के अंदर कुछ गलती लगी हो तो उसके लिए माफ़ी, और अगली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।